असलम वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे से आप सब लोग उम्मीद कर दें कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खरीत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो जी आज की वीडियो का आगाज़ ना नाशे से हो रहा है ना बाहर जाने से हो रहा है बल्कि एक स्किन केयर प्रोडक्ट है वो जो कि मैंने ली थी शायद आप लोगों ने देखी होगी मेरी वो वीडियो जिसमें सेफ मार्ट पर मैंने ग्रॉसरी की थी वहाँ से ये वाला जो है मैंने स्किन शाइनर लिया था तो आज मैंने इसको यूज़ किया तो फिर मैं इसका रिजल्ट देखे तो फिर मैंने कहा चले आज आप लोगों के साथ इसका थोड़ा सा रिव्यू जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ तो ये वाला जो है जी लोकल जो हमारा एक ब्रांड है गोल्डन पर्ल के नाम से तो उसका जो है ये स्किन शाइनर है ये मैंने सेफ मार्ट से लिया था ये देख लें इस तरह का ये इसके साथ जो है पंप जो है इसकी पैकेजिंग में आता है और ये काफ़ी बड़ी जो है इसका जो है ये बॉटल काफ़ी बड़ी है और देखते हैं कितने एम की है क्योंकि मैंने आज ही इसको यूज़ किया लिया हुआ था लेकिन बहुत तो इस मामले में बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ अपनी केयर करने के मामले में तो आज फिर ये देखा मैंने कहा तो चले इसको आज यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर फिर मैंने सारी इसकी जो है वो सारी देख लिया था कि इसको यूज़ कैसे करते हैं अच्छा जी मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ ये है जी गोल्डन पर्ल का स्किन शाइनर है और ये है जी फ्रेश एंड ग्लोइंग स्किन इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है है विद द बेनिफिट्स ऑफ रोज वाटर एंड लेमन एक्सट्रैक्ट अच्छा इसके ऊपर जो लिखा हुआ है इसका यूजेस का तरीका जो लिखा हुआ है वो ये है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसको जो है आप इसकी जो है एक थिन लेयर लेनी है आपने और उसके साथ जो है आपने कॉटन पैड के साथ या एक ब्रश के साथ इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है कैमरा जूम नहीं कर रहा अब अच्छा इसको अप्लाई करना ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है और उसके बाद जो है इसको कॉटन पैड ब्रश के साथ अप्लाई करना है और 15 मिनट्स इसको देने हैं आपने इस अपने फेस पे और उसके बाद आपने गर्म वाट जो वार्म वाटर होता है गर्म मतलब नीम गर्म तो उसके साथ आपने इसको जो है वॉश कर लेना है और इसके पे लिखा हुआ है कि तमाम एज मतलब एज के लिए और तमाम जो स्किन के लिए ये सूटेबल है मतलब इसके लिए ये नहीं है कि अगर आप आपकी किस, एज किसी भी मतलब कितनी भी है ट्वेंटी की है ट्वेंटी फाइव की है यहाँ तक के फोर्टी फिफ्टी तक की है या सिक्सटी तक की है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं इसका ये मतलब हो सकता है अच्छा उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है ब्यूटी टिप फॉर फेस पॉलिशिंग उसके लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि आप ना इसका जो एक अमाउंट है उसको ले के आप अपने जो फेस पॉलिशिंग मिक्सचर है उसमें आप इसको ऐड करके भी यूज़ कर सकते हैं इसके पास ये सारा तरीका लिखा हुआ है अच्छा मैंने इसको जो है आज इसको यूज़ किया है और मैंने इसको इसका जिसका उन्होंने लिखा उस हिसाब से यूज़ नहीं किया मैंने इसको एक मतलब मैंने अपना फेस वॉश किया है और उसके बाद मैंने अपने फेस पे टोनर लगाया टोनर के बाद मैंने इसको लगाया मैंने समझा कि शायद ये जो है वॉट होगा लेकिन इसका जो जब मैंने इसको निकाला तो ये जेल टेक्स्चर में था तो फिर मैंने इसको लगा लिया मैंने कहा चले देखते हैं यकीन माने कि मैंने इसको जब लगाया है मेरी फेस इत मेरा फेस जो स्किन है वो इतनी मतलब स्मूथ और सॉफ्ट और यहाँ तक कि प्लेन होगी तमाम जो मेरे पोर्स से वो बंद हो गए अब अच्छा इस पर तो उन्होंने लिखा हुआ था कि अप्लाई करना है मिनट मिनट्स के बाद अपने इसको वॉश करना है मैंने उसका वॉश मतलब नहीं लगाया मैंने इसको एक एज ए मॉइस्चराइजिंग के तौर पर लगा लिया था क्योंकि फर्स्ट टाइम लगाया है और अभी तक मतलब तीन चार घंटे हो गए अभी मैं फेस देख रही हूँ इतना मतलब शाइन भी कर रहा है बिल्कुल स्मूथ हो गया तो आपने मेरे तरह नहीं करना क्योंकि मैंने इसको मतलब वैसे ही यूज़ कर लिया था लेकिन आपने इसके जो इसके ऊपर लिखा हुआ है इसका तरीका उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये बहुत मुझे इसके रिजल्ट अच्छे लगे हैं मैं इसको अब रेगुलर यूज़ करूँगी और जो उन्होंने लिखा हुआ है उस हिसाब से ही इसको यूज़ करूँगी तो फिर इसके बाद मैं बाद में भी आपको रिजल्ट बताऊंगी तो ये देख लें इतनी बड़ी जो है इस तरह की पंप वाली बॉटल में है अभी मैं इसका दिखाती हूँ और ये कितने एम की बॉटल है ये मुझे नहीं अभी नजर आया तो जैसी नज़र आता है मैं बताती हूँ यहाँ पे कहीं होगा अच्छा तो ये जो मैंने लिया था मुझे थ्री एट्टी या थ्री फिफ्टी का कुछ आ, मिला था मुझे इसकी आ, जो है सही वाली इसकी प्राइस जो है वो आ, नहीं याद रही क्योंकि काफ़ी दिन पहले लिया हुआ था शायद मेरी सेव मार्ट वाली वीडियो में इसकी सही प्राइस आपको होगी क्योंकि उस वक्त मैं साथ साथ ले रही थी साथ प्राइस भी बता रही थी तो ये है जी आ, स्किन शाइनर गोल्डन पर्ल का बहुत ज़बरदस्त बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मुझे फ़र्स्ट एप्लीकेशन में मिला तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आगे आज के ब्लॉग में ये है कि आगे मैं जो है आपके साथ जो चीज़ें शेयर करूँगी वो आपको साथ साथ दिखाऊंगी अभी जो है ये थोड़ा सा टाइम है दोपहर का तो अभी मैंने आज जो एक हमने जाना है कहीं अपने रिलेटिव्स के घर तो आज मैं फिर एक न्यू जो अपना ड्रेस जो है उसको वेयर करूँगी लेकिन उसका दुबट्टा जो है वो पीको नहीं है तो अब या तो देखती हूँ खुद जाके पीको करवाती हूँ या फिर मुझे आ, किसी बच्चे को भेजती हूँ बच्चे भी मूडी होते हैं मूड हो तो काम करते हैं नहीं तो घर के पास ही है मैं जाके खुद ही करवा लेती हूँ तो फिर मिलते हैं उसके बाद और फिर जो भी आज सुबह की मतलब आज दिन की जो रूटीन होगी वो आप आपको शेयर करूँगी ये वाला मेरा दुपट्टा है इसको जो मैंने ड्रेस पहनना है ड्रेस मैं आपको बाद में दिखाऊंगी तो ये वाला डु... ड्रेस तो मेरा तैयार था लेकिन मेरा दुपट्टा पी नहीं था तो इसको मैं जा रही हूँ खुद ही पीकर करवाने के लिए ये देखिए मैंने पहन लिया अब आया और अब मैं इसको जो है करवा के आती हूँ ये जी टपाल का जो है ग्रीन टी और जो होता है टी बैग्स तो ये तीन फ्लेवर पड़े हुए थे मेरे बाकी तो ख़त्म हो गए हैं तो अब इसमें से मैं देखती हूँ कौन सा पीती हूँ एक है जी माइक्रोन मिंट का है एक जैसमिन का है और एक इलायची का है तो ये वाला लेकिन इसमें सबसे बेस्ट फ्लेवर जो है वो उसका पीच का है वो बहुत टेस्ट ही टेस्टी है वो वाला मैंने जो है वो मैंने मतलब उसको टेस्ट किया हुआ तो ये अभी इनमें से कोई भी एक जो है वो बाद में अभी टेस्ट करती हूँ देखती हूँ कौन सा लेती हूँ तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ मैं कौन सा वाला टेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे जी मैंने जो है पानी बॉईल कर लिया है और कप्स में डाल के जो है ये जो कैवा है वो मैं तैयार करने लगी हूँ तो यहाँ पे जो है पानी डाल रही हूँ कप्स में तो कहवा तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में मुझे जो है इस तरह की चीज़ें पीने का बहुत दिल करता है और सर्दी में जो है मेरा कहवा जो होता है रेगुलर होता है लंच के बाद भी और डिनर के बाद भी तो ये तो ये वाले हो जाए टी बैग्स वाले हो जाए तो ये वाले भी मैं यूज़ कर लेती हूँ और अगर सादा जो एक होता है जिसकी वो जो होती है एक मतलब मिलता है पत्ती वगैरह मिलती है आम जो होते हैं मसाला जात की शॉप वहाँ से भी मिल जाते हैं और वैसे भी मॉल्स में भी मिल जाते हैं तो वो वाले भी जो है घर में वो तो रेगुलर होता है तो इस तरह जो है ये मैं सासा जो है ये कहवा तैयार कर रही हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं इसको ख़ुद भी लूँगी और बाकी दो कप्स मैं घर वालों को दे दूँगी तो उसके बाद जी फिर मैं सो गई थी और फिर मैंने रेस्ट की थी ये जो मेरी चाय चाय बना रही थी और वो दुपट्टा में दे आई थी मैंने आपको बताया था तो दुपट्टा उस वक्त में जब गई थी तो लाइट जो है वो गई हुई थी तो दुपट्टा अभी तो मैं दे आई थी मैंने कहा था मैं शाम को ले जाऊंगी तो अभी चाय बनाई मैंने सबको दी है ये मेरा कप है और साथ में करने लगी अपने बाल स्ट्रेट और ये स्ट्रेटनर जो है इसको भी ऑन करना है ये ऑन है और ये वाला स्ट्रेटनर ऑन होगा अच्छा मैं इसको करती हूँ इससे एक हाथ से नहीं हो रहा तो ये चीज़ है तो अब मैं होने लगी हूँ तैयार चाय से भी देखिए दिन को रेस्ट भी कर ली है और चाय मेरी देखें कितनी थोड़ी सी ठंडी भी होगी देखें ऊपर से इसके ये बेसा आनी शुरू होगी लेयर उनके जब चाय ठंडी होती है तो लेयर आनी शुरू हो जाती है और मिट्टू जो है बहुत ज़्यादा बोल रहा है ये देखिए इसकी आवाज़ें आपको आ रही होंगी तो चलिए मैं तैयार होती हूँ और फिर नेक्स्ट सीन में आपसे मिलते हैं ये जी अचानक से एकदम से बारिश जो है वो शुरू हो गई थी और काले काले बादल आए थे और बड़ी ही शदीद बड़ी ही तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे तो फिर मैं तैयार भी हो रही थी उस साथ फिर मैंने जो है यहाँ पे आके मैंने देखा भाई टेरेस पे आके ये देखे कितनी जोर की जो है, जो है बिजली भी साथ चमक रही है और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है तो उसके बाद मैं तैयार हो चुकी थी और यहाँ पे जी ये मेरा ड्रेस है जो कि जो मैंने पहना है तो उसके साथ ये वाइट वाले जो है मेरे खाड़ी के अच्छा जूते भी मेरे खाडी के हैं और सूट भी मेरा खाडी का है और वाइट ड्रेस था तो मुझे इसके साथ फिर जो है वाइट ये वाले शूज़ जो है मुझे अच्छे लगे तो इसके साथ ये वाला दुपट्टा था जो कि इसके जो है चारों साइड पे मैंने पीको करवा ली थी और इस तरह ये जो है ड्रेस अच्छा बिल्कुल सिंपल सा मैंने इसको मतलब सिलवाया था और कोई ज़्यादा मतलब मैंने इस पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं की थी सिर्फ वाइट लेस मैंने इसके जो है लगवा ली थी जो होते हैं दामन पर भी और बाजुओं पे भी और गले वगैरह पे कुछ भी नहीं था बस वैसे ही था और यहाँ पे जी ये वाला मैंने जो है एंकलेट पहन लिया था इसके साथ मुझे ये अच्छा लगा था क्योंकि मैंने इसके साथ सिल्वर जूता पहना था तो जूलरी सारी मैंने सिल्वर पहनी थी तो फिर ये वाला एंकलेट भी पहना था और ये वाला जो है मैंने इम्तियाज़ से लिया था एक सौ दस रुपये का अच्छा यहाँ पे जी ये वाली मेरी जो है चूड़ियाँ मैंने सिल्वर जो है ये इसके साथ पहनी क्योंकि ब्रेसलेट भी एक साइड पर मैंने हाथ पे पहने थे लेकिन आज मेरा चूड़ी चूड़ियाँ पहनने का बहुत दिल कर रहा था तो फिर ये वाली चूड़ियाँ मैंने जो है निकाल के इसके साथ वाइट ड्रेस तो फिर मैं इसके साथ मैच कर ली थी और रिंग्स भी मैंने जो है वो सिल्वर ही पहन ली थी तो इस तरह ये जी मेरी तैयारी कम्प्लीट हो गई थी और उसके बाद जी हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया था कि बारिश थोड़ी स्लो हो जाए तो हम लोग जो है बारिश में ही जा रहे हैं लेकिन जब हम घर से निकले थे तो बारिश थोड़ी कम थी लेकिन रास्ते में बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और बहुत ही शदीद बारिश हो रही है देखे इसकी जो है जो स्क्रीन है विंडो स्क्रीन जो जिसको बोलते हैं इसके ऊपर देखे बारिश कितनी ज़ोर से कि बाहर से कुछ भी नज़र नहीं क्लियर नज़र नहीं आ रहा और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि बाहर का कुछ जो है कुछ नज़र आ जाए बाहर से तो लेकिन इतनी शदीद बारिश है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इसके बाद हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने जो है फिर सब ने मिल लंच लंच डिनर वगैरह किया था और गपशप लगाई थी खाना बहुत अच्छा था बहुत टेस्टी था और बहुत अच्छा लगा तो उसके बाद जी खाने के बाद फिर जो है आइसक्रीम आई थी और फिर एंड में कहवा वगैरह भी हम लोगों ने पिया था लेकिन बस मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं जो है खाने पीने की कैप्चर की तो उसके बाद हम लोगों ने तकरीबन बारह बजे के करीब हम लोग जो है वहाँ से फिर घर की तरफ आ ग, मतलब निकले थे और यहाँ से जी जब वापसी पे हम लोग आ रहे हैं तो बारिश बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और रोड भी तकरीबन जो है वो सूख चुके हैं तो लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था हवा ठंडी ठंडी चल रही थी तो ये था जी मेरा आज का ब्लॉग उम्मीद करती दूँ कि आपको पसंद आया होगा तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं अल्लाह हाफिज़